गाइज, अगर अडानी ग्रुप आईटी सेक्टर के अंदर काम कर रहा होता तो आज भारत में आईटी कंपनियों के दिन अच्छे चल रहे होते हैं। बहरहाल आप जानते हैं कि भारत में इन दिनों आईटी कंपनियों के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, विशेषकर विप्रो कंपनी के। इस वीडियो में आपको विप्रो कंपनी के बारे में बताऊंगा कि इस कंपनी का शेयर प्राइस इतना तेजी से नीचे क्यों जा रहा है और इसके दिन कब बहुरेंगे, इस पर विशेष रूप से चर्चा होगी। ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, चलते हैं बोर्ड पर, सारी बातें हम लोग वहीं समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। गाइज, विप्रो कंपनी के बारे में ज़्यादा इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि यह ग्लोबली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है और भारत में चौथे नंबर की लार्जेस्ट प्लेयर है आईटी कंपनियों के मामले में। नंबर वन पर है टीसीएस, नंबर दो पर है इंफोसिस, नंबर तीन पर है एचसीएल और नंबर चार पर आता है हमारा विप्रो। विप्रो के दिन आईटी कंपनियों में इन दिनों सबसे खराब चल रहे हैं। इसका जो शेयर प्राइस है 495 रुपया कम होकर आ गया है और कल के दिन भी देखेंगे, क्योंकि आज तो बाजार बंद था, कल के दिन यह लगभग 2.5% से अधिक की गिरावट के साथ अपना क्लोजिंग दिया है 495 रुपया पर। इसका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था 498 रुपया, उसको भी ब्रेक कर दिया है और अब जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल निकल कर सामने आ रहा है वो है 403 रुपया। 403 रुपया तक आने के चांस बहुत कम है, क्योंकि इसके पहले इसका 52 वीक का लो पड़ेगा और उस लो को पार करने के बाद यहाँ तक आएगा, जिसकी संभावना बहुत कम है। हालांकि यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल की बात करना बेमानी होगी, लेकिन आप जान लीजिए रेजिस्टेंस लेवल है 522 रुपया। बहरहाल अभी तो शेयर प्राइस नीचे जा रहा है, तो नीचे जाने की वजह और उसकी चिंता के बारे में बात करते हैं। लेकिन आप एक बात बताइए, यह जो शेयर प्राइस अभी डाउन जा रहा है, ये डाउन क्या क्वार्टर फोर के रिजल्ट आने के बाद जा रहा है या उसके पहले से जा रहा है? डेफिनेटली आपका जवाब होगा कि क्वार्टर फोर के रिजल्ट आने से पहले से इस कंपनी का शेयर प्राइस डाउन जा रहा है। जबकि आप यहां देखेंगे क्वार्टर फोर का रिजल्ट तो अच्छा आया है। क्वार्टर फोर के रिजल्ट में कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टर थ्री में इसको हुआ था 61,935 करोड़ का, जो कि बढ़कर क्वार्टर फोर में हो गया 79,312 करोड़ का। और जब रेवेन्यू बढ़ा है तो निश्चित है इसका प्रॉफिट बढ़ेगा, तो प्रॉफिट जो इसको क्वार्टर थ्री में हुआ था 10,796 करोड़ रुपये का, वो क्वार्टर फोर में हुआ है 12,230 करोड़ का, प्रॉफिट भी बढ़ा है। और जब दोनों बढ़ा है तो ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर भी बढ़ना स्वाभाविक, तो अर्निंग पर शेयर भी देखेंगे 19.70 रुपया से बढ़कर 22.31 रुपया हो गया। मतलब ओवरऑल अगर बात करें तो क्वार्टर फोर का रिजल्ट तो जबरदस्त आया है। हालांकि अर्निंग पर शेयर ही जबरदस्त हुआ है, यह दोनों तो नॉर्मल है, कुछ खास उसमें तेजी नहीं देखने को मिली है, लेकिन बढ़ा है तो यह अच्छी बात है। अब समझिए आखिर रिजल्ट आने के बाद भी शेयर प्राइस डाउन क्यों जा रहा है, तो दो तीन कारण मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तो यह नॉर्मल है कि जब भी किसी ऐसी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आता है तो शेयर प्राइस हल्का डाउन जाता है, उसके जो इंसाइडर्स होते हैं थोड़ा नीचे लेकर जाते हैं, निचली लेवल बाई करते हैं, फिर ऊपर ले जाकर बेचते हैं, ये चलते रहता है। लेकिन यहां इस कंपनी के लिए वह मेन वजह नहीं है। मेन वजह यह है कि इसका जो क्वार्टर फोर का रिजल्ट है, इसमें जो एनालिस्ट हैं, जो इसके इन्वेस्टर्स हैं, कुछ ज़्यादा ही इसके क्वार्टर फोर रिजल्ट से एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा उम्मीद किया था रिजल्ट मतलब और ज़्यादा तगड़ा आएगा, लेकिन इनके मन के मुताबिक रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आया, तो इन्वेस्टर्स जो हैं इस कंपनी के थोड़ा सा उनको निराशा हाथ लगी और इस जले पर नमक छिड़कने का काम किया इस कंपनी के सीईओ के बयान ने। इस कंपनी के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं थियरी डेला पोर्टे, माफ़ कीजिएगा अगर उच्चारण में गलती हो जा रहा हो, तो हमको लगता है ये भारत के नहीं है। इनका नाम है थियरी डेला पोर्टे। इन्होंने कहा है कि इस कंपनी का जो रेवेन्यू है अभी आने वाले 3-4 क्वार्टर तक 1-3% के हिसाब से ही बढ़ेगा, जबकि इसके पहले तक जो विप्रो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आता था उसमें 2.2-4% की तेजी देखने को मिलती थी। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि नहीं, एक अभी कुछ आने वाले कुछ क्वार्टर तक इसका कंपनी का जो रेवेन्यू है, जो ग्रोथ है, 1-3% के अंदर ही देखने को मिलेगी और इस कंपनी का जो मार्जिन ग्रोथ है वह भी कम रहेगा। अभी देखेंगे तो इन्होंने कहा है कि 17-17.5% के आसपास तक आने वाले 2-3 क्वार्टर तक ऐसे ही मार्जिन ग्रोथ रहेगा। हालांकि जिस हिसाब से इसमें गिरावट हो रहा है, हमको लगता है कि मार्जिन ग्रोथ और कम जाएगा। तो इनके इस बयान का इस कंपनी के शेयर प्राइस पर काफी निगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। बिकवाली का दौर इनके इस बयान के बाद से काफी तेजी से हो रहा है, तो जब सेलिंग प्रेशर अधिक होता है तो स्वाभाविक है शेयर प्राइस नीचे जाएगा। तो यह मोटा मोटी मेन कारण थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं कि अब आगे क्या हो सकता है। तो समझिए, इस कंपनी का जो 52 वीक का हाई है वो है 740 रुपए का और यह हाई इसी साल जनवरी में बनाया था, और 52 वीक का इसका जो लो है वो है 477 रुपए का और अभी इस कंपनी का शेयर प्राइस है 495 रुपया। मानकर चलिए कि ये अभी डाउन जा रहा है तो आ सकता है 477 रुपए, मतलब इसका जो 52 वीक का लो है वहां तक आ सकता है और यहां तक आने के बाद ये कंसोलिडेट करेगा कुछ दिन तक। और पिछली बार जब इसका शेयर प्राइस 477 रुपए के आसपास था, वहां पर ये लगभग 2-3 माह तक कंसोलिडेट किया था और उसके बाद कंसोलिडेशन से बाहर निकलने के बाद ऊपर गया था, और सामान्यतः होता यही है, कंसोलिडेशन से बाहर निकलने के बाद शेयर प्राइस ऊपर ही जाता है। तो अगर यहां तक आने के बाद कंसोलिडेशन फेज में जाता है तो उसके बाद फिर कुछ दिन तक कंसोलिडेशन रेंज में रहेगा और फिर निकलने के बाद शेयर प्राइस ऊपर जाने की संभावना है। इसलिए अब आप क्या कीजिएगा, अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, तो आप इसमें वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना कर चलिए। और अगर शेयर प्राइस कम जा रहा है तो यह तो आपके लिए एक बेनिफिट की तरह है, आप इसमें एवरेजिंग करते रहिए, आपका इसमें इन्वेस्टमेंट और बढ़ेगा भी और जो शेयर प्राइस कम जा रहा है उसकी वजह से सस्ता प्राइस पर आपको और शेयर्स मिल जाएंगे। तथा अगर कोई नया व्यक्ति है और इस कंपनी में नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए अभी परिस्थिति अनुकूल नहीं है, उन्हें कुछ दिन इंतजार करना चाहिए। कम से कम शेयर प्राइस देखिए
देखिए कहाँ तक डाउन होकर आ सकता है। अगर 477 के लेवल तक आते हैं या इससे भी नीचे आते हैं तो 450 के आसपास आता है, वहाँ पर आप बाई कर सकते हैं, और बाई करने के बाद आप भी चाहें तो एवरेजिंग कर सकते हैं। तो ये थे मेन कारण, और आगे क्या करना है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ मैंने जो बताया आपको समझ में आया होगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। फिर भी अगर मन में कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप हमसे कमेंट में जरूर पूछे, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। पर्सनली मुझसे जुड़कर बातें करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं जहाँ शेयर बाजार से संबंधित प्रतिदिन का अपडेट आपको मुहैया कराए जाते हैं, आपको बातें समझने और जानने में आसानी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, शुक्रिया।